Assalamualaikum and welcome back to my channel. तो जैसे कि सर्दी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा पीक पर है सर्दी. इस सर्दी के सीज़न में हमारी स्किन ड्राई, बहुत ही रफ़ हो जाती है. आमतौर पर यूट्यूबर्स भारी टर्मिनोलॉजीज के साथ कि भी आपकी स्किन सर्दियों से इस तरह से बैडली इफेक्ट हो रही है, ये कौन है सर्दियों के वगैरह, के चक्रों में नहीं पड़ेंगे. सीधी सादी सी बात करेंगे. सिंपल और सादा सा फंडा है, वो सिर्फ ये है कि सर्दी की वजह से हवा में नमी ख़त्म हो जाती है. हवा में नमी का तनासुब कम होने की वजह से आपकी स्किन सख्त और खुरदरी हो जाती है, और उसके ऊपर वाइट जैसे उल्ली लग जाती है वो लगना शुरू हो जाती है. खुश्की के पैचेस बन जाते हैं, फ्लिकी हो जाती हैं, ये सनरेज बनी हुई हैं. बट कुछ लोगों की स्किन पर इस तरह की चीज़ें अपेयर होने लगती हैं, और समटाइम्स तो हाथों और पैरों में से ज़ख़म हो जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है. तो इन सारे मसलों का हल मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सिर्फ इन दो प्रोडक्ट्स के अंदर. जी बिल्कुल, ये जादू है, ये मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, कोई आम प्रोडक्ट नहीं है. और ये मेरा कई सालों का निचोड़ है. मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स ट्राई की, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे, मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरे किए, उनकी लिखी हुई मेडिसिन वो अप्लाई की. अपनी से एक्सट्रीम मौसम होता है सर्दी में भी एज वेल एज गर्मी में भी, तो दोनों के लिए प्रोडक्ट्स सेम तो नहीं हो सकती हैं, चाहे आपकी स्किन टाइप जो भी है. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑल फॉर ऑल द स्किन टाइप्स, आपकी सारी मुश्किलों का हल. अगर आप अपने आप से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, तो हमें अपनी डेली रूटीन में से अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना चाहिए. ये दो मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं. द फर्स्ट वन इज़, आसान अल्फाज में कह लें कि ये एक सन ब्लॉक है, ठीक है, लेकिन ये एक मेडिकेटेड सन ब्लॉक है. इसको लगा के ये आपके फेस पे वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं लगा के चिट्टी भी दिखूं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. इससे आपकी स्किन नीट एंड क्लीन रहेगी, और वो कुदरती तौर पर हील होके स्किन टोन थोड़ा लाइटर हो जाएगा. मैं ये नहीं कहती कि भाई गोरे चिट्टे अंग्रेजी बन जाएंगी आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जो आपकी कुदरती स्किन है उसके ऊपर सन टैन आ जाता है, इसलिए इसकी वजह से वो ब्लैकिश और थोड़ी भूरी लगने लगती है, वो टैन हट जाता है. तो चाहे जो भी आपकी स्किन टोन है, आप अच्छे ही लगते हैं, बस आपने खुद को मेंटेन करके रखना होता है. पहली चीज ये है आपके लिए एक सनस्क्रीन, सन ब्लॉक जो भी कह लें आप इसको, और बाहर में जाएं इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है. और ये आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठी हूँ आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट बहन आपको हर चीज़ बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए. अगर फिर भी आपका रातर दिन कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. जो भी आपकी स्किन टाइप है, मेरा सालों का निचोड़ है, एक दफ़ा मेरे कहने पर आप ये इस्तेमाल करके देखें. कोई भी चीज़ इसके अलावा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डे टाइम में. आपने फेस वॉश करना है और ये सनब्लॉक लगा लेना है, ठीक है. सुबह उठ के आपने सबसे पहला जो काम करना है, आप नमाज के लिए वजू करते हैं, अच्छे से साबुन से या फेस वॉश से, साबुन से भी धो लें तो कोई दिक्कत नहीं है. फिजूल के चोंचनों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लाजमी एक मेडिकेटेड फेस वॉश होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी फेस वॉश होना चाहिए. जो भी वाइटनिंग फेस वॉश हैं या जो भी है, बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, उन्हीं से तो स्किन ख़राब हो जाती है बाद में. फिर वो जब हम यूज़ नहीं करते ना वो प्रोडक्ट, तो फिर वो भद्दी दिखने लग जाती हैं. तो इसलिए प्लीज़ उनको अवॉइड करें. घर पर जो भी साबुन पड़ा हुआ है ना आपके टॉयलेट में, आप जाके उससे अच्छे से फेस वॉश करें. सर्दियाँ हैं तो ज़रूर आप थोड़ा सा निगाह गर्म पानी ले लें, यानी कि थोड़ा थोड़ा हल्का सा ड्राई करने के बाद इसको लगा. जी कुछ इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, दिखता है ये वाइट और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. यानी कि आप लगा लें और फिर उसके बाद कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ फेस पे लगाया है, ना ही फेस ऑयली या ग्रीसी होगा. किसी भी तरह की स्किन टाइप है आपकी, आप इसे बिना झिझक लगा सकते हैं. मैंने दिखाने के लिए वीडियो में थोड़ा ज़्यादा लगाया, वरना इतना ज़्यादा लगाने की इसमें देखने में पता नहीं चल रहा है कि आपने कुछ लगाया हुआ है. ये एक इसका प्लस पॉइंट है, लेकिन देखिए स्किन कुछ स्मूथ फील हो रही है, यानी कि वाइट कास्ट उसने नहीं छोड़ा है, बट स्टिल वो जो माइनर पोर्स होते हैं उसे फिल इन कर देता है. तो जो दूसरा मैजिकल प्रोडक्ट है वो है हमारे पास पेट्रोलियम जेली. ये आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से ले सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं. बाय द वे इसको, ये आपको किसी कॉस्मेटिक शॉप से नहीं मिलेगा, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगा. पाकिस्तान में कहीं से भी आप ले सकते हैं. आप उनसे क्लिनिक से मंगवाती होती हूँ मैं, ताकि ये एक नंबर मिले, मतलब दो नंबर भी मार्केट में आना शुरू हो गए हैं. और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा खुद का सालों का तजुर्बा है, निचोड़ है, और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अच्छा, तो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, ये पेट्रोलियम जेली, यानी कि इसको वैसलीन भी कहते हैं. आमतौर पर ये घरों में मौजूद होती है, घर घर की ज़रूरत है. सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है वैसलीन. आप किसी भी फ्लेवर में ले लें, कोशिश करें ये भी आप मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं, क्योंकि वहाँ पे कंफर्म होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक नंबर है, जेन्युइन है. जिस सिर्फ 5 मिनट अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म करें, विंटर्स हैं तो अपने फेस पे अच्छे से लगा लें, थोप थोप
सर्दी है तो थोप थोप के लगाएंगे आप, और अगर गर्मी है तो बस नॉर्मल सी लगा लेंगे। और सुबह उठ के आप जो अपना फेस देखेंगे चेहरे पे, उस पे जो शाइन देखेंगे, आप दुआएं देंगे मुझे, ट्रस्ट मी आप लोग मुझे दुआएं देंगे हाथ उठा के कि बहन ने हमें कोई चीज़ बताई है, कोई अच्छा मशवरा दिया है, जो आज के दौर में मुफ्त में कभी भी कहीं भी नहीं मिलता है। आप YouTube पे ढेर वीडियोस निकाल के देख लें, लोग इतनी भारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स बता रहे होते हैं, ये लगाएं उसके ऊपर ये लगाएं, 10-12 वो लेस प्रोडक्ट्स की लगा लेते हैं, स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। आप कभी वो फाउंडेशन बोतल या और कोई भी चीज़ें उठा के देखें जो प्रोडक्ट्स वो बता रहे होते हैं, ट्रस्ट मी आप उनके ऊपर जो लिखी होते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, कभी उनको पढ़ के देखें, वो प्रोनाउंस भी नहीं होते, उनके मतलब जानना तो दूर की बात, आप उनको गूगल करके देखें, खेत तो स्वाद देता है गूगल आपको कुछ भी नहीं देता, वो उसमें कुछ भी नहीं होता, इतनी हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो, कि बस रे रब का नाम, खुदा का नाम लें, अपनी हिफाजत करें और उन सब झंबेलों में मत पड़ें। रात के लिए सिर्फ वैसलीन है, मैं लेमन, मुझे ऐसा लगता है जो लेमन फ्लेवर की वैसलीन है ना, पेट्रोलियम जेली वैसलीन जो भी आप कहें, ये ज़्यादा कारामद है, यानी कि अगर आपके लिप्स पे भी लिपस्टिक लगा कर या जैसे भी वो ब्लैकिश हुए हैं, टैन हुआ है ना, लिपस्टिक लगा के आमतौर पे ब्लैक हो जाते हैं लिप्स, बच्चियों के घर में उनको शौक होता है ना लिपस्टिक लगाने का, तो उनके भी टैन चढ़ जाता है लिप्स पे, तो आप माएँ हैं तो ज़रूर आपको अपनी बेटियों की केयर करनी चाहिए, और अपनी एज वेल एज ज़रूर करें, अपने आप को सबसे पहले रखें, तो ये लिप्स पर लगाएं आप, एक हफ्ते के अंदर आपके लिप्स वापस से पिंक हो जाएंगे, लेमन फ्लेवर में जो होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा कारामद होती है। तो देखिए मेरे हाथ बिल्कुल सही साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन लग रहे हैं, तो मैं यही करती हूँ, एक कुदरती शाइन आ जाती है आपकी स्किन में ना, जैसे ये मेरे हाथों में आई हुई है, ऐसे मेरे फेस पर आई हुई है, मैं आपको फेस दिखा नहीं सकती वरना मैं दिखाती, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं लगाती, सिल्की स्मूथ स्किन है मेरी, जिसको कहते हैं ग्लास स्किन, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र लगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कोई और चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि मैं ये वैसलीन लगा के सोती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं काफ़ी वक्त से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे है आप एक दफ़ा बहन के कहने पे इसको इस्तेमाल करके देखें, लिप्स पे भी अच्छे से रात में लगा के सोएं, और फेस वॉश करना मस्ट है, आप लाजमी रात में अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और निगाह पानी लें, उससे फेस वॉश करें, वजू के लिए भी पानी गर्म करते हैं ना, वैसे आप 5 वक्त नमाज पढ़ें, उससे भी बहुत असरात मुरतब होते हैं। उसके अलावा स्किन पे लगाने के लिए ये दो प्रोडक्ट्स मस्ट हैं, और दी ओनली प्रोडक्ट्स आपको अपनी स्किन केयर में या फिर अपने मेकअप में इवन के ऐड करना है। ट्रस्ट मी कोई बेस वेस अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ, कोई कंसीलर नहीं लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी शादी पर भी इवन के मुझे जाना हो, मैं वो मेकअप पर्सन हूँ नहीं, वैसे शादी पर जाने के लिए तो लोग लाजमी मेकअप करते हैं, मैं लिपस्टिक लगाने से पहले भी आप डे टाइम में थोड़ी सी वैसलीन लगा लें अपने लिप्स पर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या ही बात है, उससे आपके लिप्स जो हैं वो ब्लैक नहीं होते, क्योंकि किसी भी ब्रांड की आप लिपस्टिक ले लें आजकल वो ऐसी ही आ रही हैं कि आपके लिप्स को ब्लैक कर देती हैं, तो आप उससे पहले अपने लिप्स पर पेट्रोलियम जेली ऐड करें और थोड़ी सी लगा लें, और फिर उसके बाद अपनी जो भी लिपस्टिक है आपकी किसी भी ब्रांड की है, आमतौर पर लड़कियाँ ये करती हैं कि वो जो सस्ती सी 100 रुपये की 150 रुपये की मिल रही होती है बाज़ारों में, वो ले आती हैं और वही लगाती हैं, क्या करें महंगाई इतनी हो गई है और ख़र्चा इतना ही मिलता है घरों से, और फिर हमने अपने स्टडी के एक्सपेंसेस भी निकालने होते हैं, तो फिर इतने ही पैसे बचते हैं हमारे अपने ऊपर खर्चने के लिए, लिपस्टिक पर खर्चने के लिए, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं, आप अपने लिप्स पर सबसे पहले पेट्रोलियम जेली लगाएं, लेमन फ्लेवर में लगा लें, ऑरेंज में लगा लें, किसी में भी लगा लें, और उसके ऊपर अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर लें, जो कोई भी है स्किन पर आप अपने ये अप्लाई करेंगे। 100 ml देखें, ये 100 ml है और ये 550 की आई है, ये 4 महीने चल जाती है। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी कारामद रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।